साकर मोहल्ला जमात की जानिब से कल हम शाम में बैठ के डिसाइड किए कि रैली की शुरुआत सिटी में काकर मोहल्ला मस्जिद में असर की नमाज पढ़ के फिर वहाँ से निकलेंगे। उसके बाद अंजुमन में एक मीटिंग ली, अंजुमन के बाद कसाई गली के सारी जमातें जितनी थी वो ऑफिस में इकट्ठा मिल कर के वहाँ के जमात के जितने भी सदर थे और यंग कमेटी थे वो सब से बात करवा करके तो शाम में शायद न्यूज़ में आप देखेंगे जगाती साहब के चैनल पर। ये सब करने की वजह ये है कि 2008 से 18 तक और फिर 18 से 23 तक ऐसा वक्त आया कि कोविड 2020 में नहीं 18 में ही आ गया और 23 तक रह गया, क्योंकि कुछ हलचल लोगों के काम के लिए तो नहीं दिखे जहाँ तक हमारा मामला है। कोई बात आगे चल के तो मेकअप करने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सब से गुजारिश है, मैं जानता हूँ कि आप सब राजू शेठ साहब को भी और हमारे पूरे फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो कोई शक नहीं है, दुआएं करते हैं, आपकी दुआओं से हम दो चार बार हॉस्पिटल जाके भी एक एक मेंबर घर से वापस आए हैं, आपकी दुआओं से आए हैं और कुछ दवाई से ज़्यादा नहीं, दुआओं से ही आए हैं। मगर जो इलेक्शन का मामला है उसमें थोड़ा आपको और थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि सुबह जल्दी उठ करके अपना वोटर आईडी और आईडी लेकर बूथ में जाके बटन दबाना है राजू सेठ के नाम के आगे, उनके सिंबल के आगे जो मनोज का हाथ है, और वहाँ वोटों की गिनती होती है। सुबह में गई थी वहाँ पे, साउथ में तो महाराष्ट्रियन ज़्यादा थे तो मराठी में बात की, तो हमारे सीनियर लीडर सेठ सर और सम्मानित मंच सबका नाम नहीं लूँगी मैं। मुझे, मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पे बेलगाम सिटी की, तो मैं कल ही आई हूँ यहाँ। कल आते ही मैंने सबसे पहले मीटिंग सेठ सर के यहाँ पे, पहला मीटिंग रात को हम गए थे वहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग वहाँ पे आए थे ये बीजेपी के एमएलए हैं अभी यहाँ पे, राइट, लेकिन वो लोग अपनी परेशानी इनको बता रहे थे। इससे समझ में आता है कि 5 साल यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, और जो इन्होंने काम किए वो अभी आगे जो है अभी के जो कैंडिडेट राजू सेठ जी वो आगे लेके जाएंगे वो काम। और आप सबको मैं यही बताना बोलना चाहती हूँ कि सब लोग, आपको ये देखना है कि सब वोट होने चाहिए। हम लोग यहाँ आते हैं, मीटिंग करते हैं, उससे कुछ नहीं है। जब तक आप लोग घर से निकलेंगे नहीं और वोट करने जाएंगे नहीं तब तक कुछ होएगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, ये आपको देखना है। मेरा नाम सुरेश एस कल्याणकर, हम सेठ को वोट करें पक्का। स्वराज की हमारा तो है, बीजेपी ने भरपूर काम किया है, सब महंगाई बेरोजगारी क्या भी देखता नहीं कुछ नहीं,